हेलो गाइस, नॉलेज अड्डा प्लस टैग ज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने जो नई वेबसाइट लॉन्च की है उस वेबसाइट से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे बुक होती है, तो मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नई वेबसाइट से आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे SIAM। टाइप करने के बाद क्लिक कर देंगे। सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दे रखी है www.siam.in/HRP रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन हो जाएगा SIAM वेबसाइट का, और इसमें HSRP रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आएगा। उसको आपको फिल करना होगा, जिसमें नेम, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, मोबाइल, और आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें फुल नेम है, अपना फुल नेम फिल कर देंगे। उसके बाद आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जो आपकी गाड़ी का नंबर होता है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, सेम आपको ऐसे ही करना होगा उसके लिए। उसके बाद ईमेल पर आ जाएंगे। ईमेल के बाद अपने मोबाइल नंबर पर आ जाएंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो आपका स्टेट होगा वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, पूरी लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे ईजिली ऊपर नीचे करके। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक होने के बाद इसमें लिखा आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट योर व्हीकल ब्रांड फॉर बुकिंग HSRP। आपका व्हीकल ब्रांड, जो भी आपका गाड़ी का ब्रांड है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो दे रखा है, देखिए एवरेज प्राइस दे रखे हैं, इम्पोर्ट हाई ऑन एवरेज प्राइस दे रखे हैं आपके सामने, 320 से 380, 400 से 500 के बीच में ही होगा। जो व्हीकल टाइप दे रखे हैं, अब इसमें आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है, हीरो है, होंडा है, बजाज, TVS, महिंद्रा, सुजुकी, यामा, जो भी आपकी व्हीकल ब्रांड है वहाँ से क्लिक करना है। मेरा यामा है तो मैं यामा का क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर पर आप क्लिक करेंगे। पेज ओपन होगा जाएगा, उसमें लिखा बुकिंग डिटेल। बुकिंग डिटेल में जो पूरा दे रखा है फॉर्म वो आपको फिल करना है। स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जो आपके नंबर प्लेट पर लिखा होता है, गाड़ी का नंबर वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद चेसिस नंबर और इंजन नंबर यहाँ पर सेलेक्ट टाइप करेंगे। गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर आपकी गाड़ी की RC में मिल जाएगा आसानी से, वहाँ लिखा होता है, वहाँ से आप देख के यहाँ पर टाइप कर देंगे चेसिस नंबर इंजन नंबर, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ। और ये डिटेल बहुत सावधानी से आप भरिएगा, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चली जाएंगी। अगर आपको नंबर प्लेट गलत बन जाएगी इन केस, तो फिर आपकी पूरी HSRP जो प्लेट है वो उसमें इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो जाएगी, तो उसका चेकिंग में आपको नुकसान करना पड़ सकता है। तो चेसिस नंबर यहाँ ऐड कर देंगे, उसका इंजन नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसका जो कैप्चा दे रखा है वहाँ कैप्चा को इनपुट कैप्चा में एंटर कर देंगे, 4715 दे रखा है। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, जो नीचे दे रखा है ब्लू आइकन पे, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक नीचे फॉर्म आएगा, उसको फिल करना होगा आपको, हमने उस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए हमारी सारी डिटेल लिख के आएगी, व्हीकल डिटेल कौन सी BX2 है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा कब है, फ्यूल टाइप कौन सा हमारा, मेकर कौन सा है, मतलब कौन सी मोटरसाइकिल है हमारी कंपनी की, व्हीकल टाइप, व्हीकल कैटेगरी, व्हीकल कैटेगरी मोटरसाइकिल है या स्कूटर, वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या रखा है, ओनर नेम, ईमेल आईडी, ओनर नंबर और बिलिंग एड्रेस, ये डिटेल आप सही डालिएगा। उसके बाद वह फॉर्म फिर से चेक कर लिएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ओनर नेम डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे, ओनर नंबर डाल देंगे, उसके बाद बिलिंग एड्रेस डाल देंगे, जो आपका घर का एड्रेस है वो बिलिंग एड्रेस होता है। ये नहीं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बिलिंग एड्रेस वो होता है जहाँ से हमने गाड़ी ली है, तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना अपने दिमाग में क्रिएट करें। बिलिंग एड्रेस वो होता है जो आपका घर का एड्रेस होता है, उसको यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिटी और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। GST नंबर ऑप्शनल है, कोई डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इसको। तो बिलिंग एड्रेस जो है वो मैं आपको डाल कर दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद स्टेट और सिटी सेलेक्ट, उसको हम यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सिटी भी डाल देंगे। फॉर्म को हम एक बार नीचे करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, होम डिलीवरी और डीलर अपॉइंटमेंट। तो डीलर अपॉइंटमेंट हम क्लिक करेंगे। होम डिलीवरी 125 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जा रहे हैं, अगर आपको करना आप कर सकते हैं, मैं तो डीलर अपॉइंटमेंट में जाऊँगा। यहाँ से हमें डीलर अपॉइंटमेंट में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है और पिन कोड। तो हम स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया है, अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ पिन कोड डाल देंगे, उसके बाद गो करेंगे तो हमारे जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे कि हमारे डीलर कौन कौन से हैं। तो हमने कर दिया, देखिए मैं तीन दिखा रहा है कि मिश्रा ऑटोमोबाइल, कृष्णा ऑटोमोबाइल और श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है इसमें ये आ गया। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अपने पिन कोड डालेंगे या अपने सिटी का नेम डालेंगे तो ये और डील सर्च में और सिटी के डील आपको दिखा सकता है। तो इसलिए आपको सारे ओपन करके देखने हैं कि आपके शहर का है या नहीं है, क्योंकि अगर आप ये जल्दी जल्दबाजी में ओपन करेंगे तो आपकी प्लेट नंबर प्लेट गलत हो सकती है। तो इसलिए सही से चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं ऊपर दे रखा वो श्यामपुर का है, मेरा वो नहीं था एड्रेस, मेरा यहाँ बरेली का था। मैंने सही से सेलेक्ट कर लिया और कन्फर्म कर दिया है। कन्फर्म डील पर सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम स्लॉट आएगा, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर डेट दे रखी है, राइट हैंड साइड पर आपका टाइम स्लॉट दे रखा है, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 दे रखा है। रेड जो दे रखा है उसमें हॉलीडे है, लाइट ग्रे कलर जो है वो स्लॉट बुक हैं, और जो आपको ब्लू दे रखा है वो स्लॉट अवेलेबल है। तो मुझे 11 तारीख का अपॉइंटमेंट चाहिए, टाइम मुझे 10 से 12 का चाहिए, अवेलेबल दिखा रहा है, मैं अवेलेबल पर क्लिक कर दूंगा। 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जो आपका टाइम स्लॉट आपको ईजिली अवेलेबल लगता है कि आप पहुंच जाएंगे उस पर क्लिक कर देंगे। मुझे 10 से 12 लग रहा है, मैंने अवेलेबल था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। नीचे आकर कन्फर्म है, मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। कन्फर्म प्रोसीड मैंने क्लिक कर दिया, देखिए मेरी बुकिंग समरी आ गई है कि अपॉइंटमेंट एड्रेस आ गया मेरा, अपॉइंटमेंट डेट आ गई है, अपॉइंटमेंट टाइम स्लॉट मेरा दे रखा है 10 से 12, 12 स्टेज आपकी कौन सी, सेकंड स्टेज है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है जो गाड़ी नंबर होता है, इंजन नंबर दे रखा है, चेसिस नंबर दे रखा है, व्हीकल मेक दे रखा है, कौन सी कंपनी आपकी गाड़ी है, व्हीकल टाइप दे रखा है कि स्कूटर है या मोटरसाइकिल है। तो ये आप एक बार सही से क्लिक कर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा आपको डिटेल सही है, उसके बाद कन्फर्म है प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका अमाउंट पे पे ऑप्शन आ जाएगा। तो वेरीफाई डिटेल एंड पे अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेंगे और फिर पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो ओनर नेम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और ईमेल, इसके बाद इस पर ऑप्शन लिख के आ रहा है सीएमएस प्रीवियस मोबाइल नंबर, जो आपने फॉर्म में नंबर ऐड करा था उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वही नंबर आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो देखिए मेरी टोटल जो कॉस्ट हो रही है 422 रुपये हो रही है, मैं जीएसटी सीएसटी ग्रैंड टोटल कन्वेंस फीस सारी फीस में आ रही है। टर्म्स एंड कंडीशन में अप्लाई कर देंगे और पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद मेरा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया, कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और वॉलेट के थ्रू, जैसे आपका मन हो वैसे कंफर्टेबल हो वैसे पे कर सकते हैं। मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करने करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कार्ड की डिटेल, आपकी एक्सपायरी डेट कब की होती है, सीवीसी नंबर, वन नंबर पे डालने के बाद आप डायरेक्ट पे क्लिक कर देंगे, जो आपके कार्ड की डिटेल होती है वहाँ में डाल देंगे। कार्ड का नंबर आपके कार्ड के ऊपर दे रखा होता है, एक्सपायरी डेट आपके कार्ड के आगे दे रखी होती है, सीवीसी नंबर कार्ड के पीछे दे रखा होता है, उस पर आप सारी डिटेल डाल देंगे, उसके बाद पे क्लिक कर देंगे। पे के ऑप्शन के बाद देखिए आपके कन्वेंस फीस चार्ज में कुछ नहीं है, कन्वेंस फीस चार्ज नहीं आ रहा, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक एसएमएस जाएगा, जैसे सबके आता है ओटीपी, ओटीपी यहाँ आपके मोबाइल पे आ गया, देखिए मेरे नंबर पे आ गया। कहीं कहीं थोड़ा टाइम भी लग जाता है तो आप थोड़ा वेट करिएगा, मेरे पास देखिए थोड़ा वेट करने के बाद मेरा ओटीपी आ गया, जो मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया ओटीपी, और मेक पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा पेमेंट हो गया है, इसमें रिसिप्ट आ गई है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पूरी डिटेल आ गई है इसमें, ओनर डिटेल, रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर आईडी, बैंक ट्रैकिंग आईडी, अमाउंट, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग नंबर, ईमेल आईडी, अपॉइंटमेंट डेट, सारी डिटेल आ गई है। सब कुछ सेलेक्ट कर लिए वो देख एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर प्रिंट, आपको प्रिंट रिसिप्ट करनी है, प्रिंट का ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से आप अपने रिसिप्ट प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद आपको डीलर के पास जहाँ आपका अपॉइंटमेंट मिला होगा इस स्लिप की फोटोकॉपी एक प्रिंट निकालेंगे और एक आरसी की फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी अपॉइंटमेंट के टाइम, जब आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट बन गई होगी और गाड़ी पर लगने वाली होगी। देखिए ये मैंने प्रिंट डाउनलोड कर ली है, ये प्रिंट आ गई है आपकी, इसमें सारी डिटेल दे रखी है, ऑर्डर डिटेल, व्हीकल नंबर, क्लासिक, ऑर्डर आईडी, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दे रखी हैं, टाइम स्लॉट, वैन स्लॉट, जो भी आपका अमाउंट है वो ये स्लिप है। इस स्लिप को आप प्रिंट निकलवा कर और एक आरसी की फोटो कॉपी करवा कर जहाँ आपको डीलर सेलेक्ट किया है वहाँ आपको जाना होगा, जो टाइमिंग स्लॉट है वहाँ जाएंगे, तो ईजिली आपकी वहाँ पर नंबर प्लेट गाड़ी पर लग जाएगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।